सत गुर प्रसाद। प्रभाते प्रगनाम जप गुरु के चरण ते आए, जन्म मरण मल उतर साचे के गुण गाए। जन्म मरण मल उतर साचे के गुण गाए। सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो तन्हासरी छंत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विगसै सदा अनदिन जां आप साचे भावे, अहंकार हौं मैं तजै माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे तां पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा ने पूरे सतगुर है जियो, हाँ तिस सेवी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो। कदे ना विसारी अन दिन संहारी जा नाम लई तां जीवा, सरवणी सुनी तां एह मन तृप्तै गुरमुख अमृत पीवा। नदर करे तां सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध विचरै, अंदर साचा ने पूरे सतगुर है। सतसंगत मिले वड भाग ता हर रस आवहे जियो, अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत बैरागी, हलत पलत शोभा जग यंतर राम नाम लिव लागी। हरख सोग दूहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे, सतसंगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जियो। दूजै पाए दुख होए मन मुख जम जोहे आ जियो, हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहे आ जियो। माया दुख मोहे आ हौं मैं रोहे आ, मेरी मेरी करत विहावे, जो प्रभ दे तिस चेतै नाहीं अंत गया पछुतावे। बिन नावै को साथ ना चालै पुत्र कलत्र माया तोहया, दूजै पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो। कर कृपा लिह मिलाए महल हर पाया जियो, सदा रहै कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो।
प्रभ मन भावै ता हुक्म समावै हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रहै दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावै कर कृपा लिह मिलाए महल हर पावे जियो नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावे कर कृपा लिह मिलाए महल हर पावे जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश प्रभात समय खास करके साडे इत्थे नॉर्थ अमेरिका कैनेडियन एनवायरमेंट दे विच थैंक्सगिविंग दी सवेर गुरु हजूरी नूं असी माण रहे हां। आइदर गुरु के हजूर हाजिर हो पाए हां या फिर करां थावां तों टीवी या होर मीडिया आउटलैट्स राही गुरु शब्द की आभा नाल सुरत नूं मंडित कर पा रहे हां वडभागी हां। अजे हुणे प्रभात्री दीवाना दा पावन नितनेम आसा की वार वो संपूर्ण होया है। हुण पावन गुर अस्थान ओंटारियो खालसा दरबार जिवें प्रभात समय दा मर्यादित ढंग आ उहदे विच जो अज दा गुरवाक हुक्मनामा सानूं प्राप्त होया प्रभात समय गुरसरूप प्रकाशित करदे आ उन्हां पावन बचनां दा पाठ अजे हुणे आप सरवण कर रहे सी दोहराया जा रहा सी। हुण बणदे समय विच इन्हां गुरवाकां दी असीं तकरीर करांगे। सो बचन आपने जे हुणे सरवण कीता है विचार आगाज करदे आ सिरनावें तों जो ये पावन बचन है इहदा सिरनावा है तनासरी छंत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग तनासरी दे विच छंत जो कि सारी गुरबाणी काव्यमई रचना है बड़े पोएटिक सिस्टम विच गुरु बाबा जी ने उकेरी है तो उहदे विच वखरे वखरे शब्दां नूं जिहड़ियां वर्सेस ने उहनां नूं उचरित किया गया उन्होंने महाराज ने उस तरीके नाल कंपाइल ते प्रोड्यूस किया है तो ये एक सरूप छंत भी है। पंजाबी फिजां दे विच फोक का बड़ा पुराना रूप है इन छंत भी कहा जाता। महाराज ने जिथे फोक के दूसरे बहुत सारे रंग बाणी विच यूज किए ने जिवें वार घोड़ियाँ अलाहणियाँ बारामा सद दिन रैन इन बिन छंत सरूप भी बहुत खुले मन दे नाल प्रयोग किया गया उन्होंने भी यूज़ किया है। सो बाणी का वड्डा हिस्सा छंतां दे विच आ अज दा हुक्मनामा सानू छंत बंतर विच मिल रहा है। इहदी खासियत सिर्फ ये है कि इहदे च कोई रहाव का बंद नहीं होएगा। गालबन छंतां दे विच चार पदे होंदे ने पर एक्सैप्शनल एग्जाम्पल्स भी हैगियां ने जिवें आही छंत आ इहदे पंज बंद बनते हैं। हर एक बंद अपने आप दे विच जिहड़ा स्टैंजा आ वो इंडिपेंडेंटली अपने रूप दे विच जिहड़ा हैगा वो मैसेज कैरी करता है पर इन्हां दे विच एक संगलीबद्ध मीन एक इंटरचेंजेबल वे दे नाल आपस विच एक मैसेज की सांझ भी होंदी है। सो असी सारे रूप नूं उस तरीके नाल देखदे हैगे आ। खैर तनासरी छंत महला चौथा गुरु रामदास पातशाह नानक जोत दा चौथा जामा इन्हां बचनां नूं उचरित कर रहा है। घर पहला जो कि गुरबाणी मोस्टली म्यूजिकल सिस्टम दे विच आई है तो जिहड़ा म्यूजिकल सिस्टम आ इहदे अंदर एटलीस्ट दो कंडीशनस फुलफिल होनियां जरूरी होंदियां ने जे म्यूजिक नूं होंद विच लैके आउणा आ। इफ वी रियली वांट टू प्रोड्यूस एनी पीस ऑफ म्यूजिक वी नीड एटलीस्ट टू कंडीशनस फुलफिल। वन इज मेलोडी नोट्स जिन्हां नूं कहा जाता है सुर जिहड़े मेलोडियस नोट ने वो एक लैवल ते आउंदे ने क्योंकि हर एक आवाज़ की एक पिच होंदी है तो उस आवाज़ की पिच नूं बरकरार करके गाउणा इस रूप विच इहदे चों राग निकलदे ने इत्थे तनासरी है। दूसरा हुंदा आ
थाप रिदम सुरिदम लई थापां दी लोड़ हुंदी है तालां दी लोड़ हुंदी है जिवें ट्रेडिशनल वे दे नाल ढोलक हुंदी सी अजकल असी जोड़ी तबला ज़्यादातर देखते हैगे हाँ या खास करके मृगिंद वजदी हुंदी सी सो इहदे विच उहदे मात्राई रूप हुंदे ने उहदे चालां हुंदियां थापां दियां सो थापां दियां चालां नूं रिप्रजेंट करता लफ्ज़ घर सो बाबा जी ने कहा जदों इस शब्द नूं तनासरी सुर मुजब गाया जाए ताल मुजब पहले घर नूं प्रयोग विच रखना है ये इंडीकेशन आ हिदायत आ अगे इष्ट दा मंगल आ मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद इस सैकड़े सैकड़े वार सारे गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा आ इहदा मायना एक दा मतलब वहद एक जिहनूं असीं ओनली एंड ओनली वन कहिंदे आ अगे ऊड़ा है ऊड़े दा मूँह खुला आ ते उहदे नाल इस तरीके नाल कार लगाई गई है इसकी प्रोनाउंसिएशन असीं ओंकार दे रूप विच करदे आ मायने इहदे इही ने अविथ इक रस लगातारता दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू व्याप रहा है मुराद जिहड़ा आप खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मनुख दिसता अनदिसता सब विच विद्यमान आ वह ओंकार है तो वह एक है उस एक दी उस ओंकार की सिद्धि प्राप्ति मीन जो है ही हो तो फिर बंदे ने उदे बाबत कॉन्शियस लैवल ते अवेयर किवें होना है क्योंकि है तो उही है चार चपेरे अंदर भी है बाहर भी है पर अनफॉर्चुनेटली साड़ी चेतना उसनों उस लैवल ते वेखदी नहीं माणदी नहीं असी उस लैवल ते चेतन नहीं है कॉन्शियस नहीं है तो बाबा जी वह किवें हो सकता तो महाराज कहिंदे सतगुरु प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश दे नाल जिवें ही असी उहदी बख्शिश दे पात्र बणांगे then we can get that vision, we can get that kind of feeling, we can get that kind of experience where we can enjoy that Omkar's presence, jedi Omni presence hai odi us roop de vich. Eh mool mantra da sankshipt swaroop ya, agge hun hukmname de bachan prarambh ho rahe ne. Jivein main pehla vi binti kiti ki lamera shabd ya panj bandh ne ide, jinna ka samay ne permit kita, assi unna hissa is pavan bachan da vicharange. महाराज कह रहे ने हर जियो कृपा करे ता नाम त्याईए जियो आपां गुरप्रसाद की गल कर रहे सी उहदे विच भी कृपा की गल हो रही सी इत्थे भी क्या हर जियो कृपा करे ता नाम त्याईए जियो इस तरह जाणो कहिंदे ने बंदे नूं अकल पहलां कोल होवे ते बाहरों अकल मिलदी है कई बार कहिंदा कोई बाहरों अकल की गल दस दिंदा ते बंदे नूं अंदरों अकल आ जांदी अकल लभ जांदी इहदा चीज किवें वर्क करदी है वी नैवर नो करतारी कुदरत की खेड आ क्या गया बंदा नाम जपे ते रब जी कृपा कर दिंदा कहिंदे बंदे नूं रब जी कृपा करे ते नाम जपण की जाच आ जांदी ये किवें काम करदी चीज सानूं एहसास कोई नहीं हैगा ये मालक दा अपना तरस आ इत्थे क्या हर जियो कृपा करे ये पहली निशानी है वो कह लो जो तरस के घर में आएगा वो तो नाम त्याई है जियो असी नाम विच ध्यान ले जा सकांगे हुण नाम दे विच ध्यान लैके जाना जिदि आपां ओंकार दे रूप विच बात कर रहे सीगे जर्रे जर्रे जरखेज वो हस्ती जिहड़ी हर वक्त कायम दायम है ते जिहदे सदका असी कायम है इस जीवन दे विच साडी सुरत उहनूं भुला दिंदी है बंदे नूं जिहड़ा सब तो वध भुलण वाली चीज़ आ वो रब ते रब दा नाम आ उहदी होंद आ जे ना भुले तो बंदा इहो जिहे काम किवें करेगा जिहड़े अनएथिकल ने जिहड़े नॉन प्रिंसीपल्स ने एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमैनिटी दे लैवल ते देखदे आ असीं जिन्हां दे विच बहुत सारे फलाज ने मनुखी बिहेवियर दे बंदा इहो जिहे एक्शन इहो जिहे काम क्यों करेगा ता ही करेगा क्योंकि उन्हें रब नहीं चेते उन्हें भुल गया है तो किवें याद रहे बाबा जी क्यों दी कृपा ही है बस कि तरस करे हो तो बंदे का ध्यान टिक जाए उस पासे इहदे लई कई तरीके कारताइयां ने जिवें सपोज आपां किसी हैल्दी ह्यूमन बीइंग नूं देखदे हां फिजिकल साइड तो ते असीं उन्हूं पुछदे हां भी हाउ आर यू हैल्दी व्हाट डू यू ईट वो कहीं मैं जी आ फलानी चीज़ खाना वा ठीक है इन्नी खुराक खानी या इस तरीके ये है पर कला एक चीज़ वो रोल प्ले नहीं कर रही इट्स ए होल कॉम्पोनेंट
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਅਵੋਇਡ ਐਨੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬੀ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਈ ਕਈ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਕੇਰਨਾ, ਅਹਿਸਾਸਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਜੂਝੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਏ ਸੁਭਾਵਕ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਮਾ ਜਾਣ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਦੇ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਹੱਥ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਪਕੜੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰੇਗਾ? ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਥੱਕਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਵੰਸ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਗੋਨਾ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਦਏਗਾ, ਥੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਥੋਟਸ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਥੋਟਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਭਾਅ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਐਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਛੂੰਹਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਜੀਓ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਜੀਓ। ਸਹਿਜ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਵਰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਹਿਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸਿਵਨੈਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਾਪਨ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾਪਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਲਚਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿਰ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਇਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਟਸ ਜਸਟ ਏ ਸਿਮਟਮ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਿਮਟਮ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਵੀ ਡਿਡ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ।
And that's natural. And we should accept it and adopt it. And we should learn from that kind of mistake. But you know, our culture says, no, don't do that. You know, there are painkillers. Take it. ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਨਰਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਇੰਪਲਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਨਾ ਇਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਪਾ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਫਾਸਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਰਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਇਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਚਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ ਆ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਲੇਹ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਟੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੋ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤੱਤ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਓ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੂਡੇਜ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 85% ਮੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਐਂਗਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਹਿਊਮਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 85% ਮੋਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਗਰੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਲੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨਿਊ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਐਕਚੁਲੀ ਹੇਟ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਗਰ ਹੈ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੀਅਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਕਲੇਮਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਸਿੱਖ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਲੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਆਵਰ ਡੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੁਟਕਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੋਥੀ ਸੋ ਐਕਚੁਲੀ ਟੇਕ ਇਨ ਆਵਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਲੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 'ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਪੋਥੀ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਓ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਰ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬੈਡ ਹੈਪਨਸ
all that. इस तरह कह लो कि सवेरे उठते ही सिमरन औगणा का शुरू हो गया, बुरियाइयां सामने नजरों च आ गई, आह बुरा आह माड़ा आह भैड़ा ओ हो 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 दुनिया बुरी बुरी है बस ओए हो बुरा ही हाल हो गया जी आ हो गया होया कि गुण सारे छुट गए। हालांकि एक माड़ी गल नहीं है इस रूप में कहा जाए बुरियाई नूं देखना किसी नूं अवेयर करना, बट जो तो सिमरन ही बन गया तो अल्टीमेटली चंगा तो कुछ भी नहीं रहा, फिर तो दुनिया सारी माड़ी है बुरी है, तो फिर बुरियां दी मंडी दे विच ते रहना तो ओ हो बहुत 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 इस तो माड़ा की हो सकता। इस आशे दे नाल बंदा जिएगा फ्रस्ट्रेशन वधेगी, इस आशे नाल जिएगा बंदे दे अंदर अग्रैशन ते जिहड़ा एंग्री बिहेवियर आ इट्स गोना कीप ऑन बिल्डिंग आ रुपया। फिर बंदे नूं खुद नहीं पता मैं क्यों इरीटेट हो रहा, गल तो कुछ भी नहीं हुई। इनडीड जे देखा जाए बहुत सारिया चीज कुछ भी नहीं गल हुंदी, डोमैसटिक एनवायरमेंट तुसीं देखो माड़ी माड़ी गल ते बंदा है बिना वजह ही बस भांपड़ की तरह मच रहा, होया की है होया तो कुछ भी नहीं, असल च होया ये है कि अंदर सुभाविक तौर पर लगातार औगुणा की पकड़ वध गई है। माड़ी जी भी कि मिसटेक एरर कुछ मिलता तो राइट भी अंदर सारी चीज़ जी रिपीट हो जाती तो बंदा उस वक्त कहता भी आ भी बुरा आ भी बुरा आ, गुण की कोई है मतलब तरजीह नहीं दे रहा, तो जो तरजीह नहीं दे रहा फिर गुण दिसदा भी नहीं। असी तो अपने बच्चों के जोड़ा साडा अपना जेनेटिक मेकअप आ जोड़ा साडा अपना मास से लहू मिझ आदेशों गुण नहीं दिसते सानू, वो जो जो शुरू होंने सवेर तो ही कहने भी आ भी माड़ा आ भी माड़ा आ भी माड़ा अहे तो है ही ये तो बेकार है जी सारा हद हो गई, तेरा अपना तो जेनेटिक मेकअप आ सारा बेकार है फिर तू की है। फिर बंदा सैल्फ बीटिंग भी करन लग जांदा नहीं आई एम नथिंग आई एम रोंग आई एम एक्चुअली टोटली बैड इत्थे हो गया शुरू, चलो जो वो भी नहीं ठीक मैं भी नहीं ठीक फिर तो कुछ भी नहीं ठीक ना, यह हाल है यहो जे बंदे को गुण गाया कर कि गुण गाव गुण गाने लिए है ही कुछ नहीं गा, बाबा जी कहते ना रब्बी गुण गा लिटरली तौर पर शब्द पढ़िए बाणी का, बाणी महाराज कहते रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, क्या कमाल अदाता मिट्टी नू किवें तू हसन टप्पण नचण ला देता है, आज थैंक्स गिविंग है इस कल्चर दे विच। दुनिया दे जिन्ने भी फेस्टिवल्स ने त्यौहार ने इन्हों सारिया का रिलेशनशिप खास करके फसली चक्कर दे नाल है, क्योंकि ये जिहड़ा हारवेस्टिंग सीजन है हुण हारवेस्टिंग हो रही है इत्थे अमेरिका च, क्योंकि थोड़ा वैदर करके उत्थे थोड़ी ठंड लेट जाती है सारे स्टेट्स के अंदर, हालांकि बॉर्डर के नाल तो सेम ही होंगे पर जिहड़ा सेंट्रल अमेरिका का पार्ट लै लीए सेंट्रल जिहड़ा हैगा पार्ट लै लीए स्टेट्स का, सो उस करके महीना कु लेट है पर हारवेस्टिंग सीजन नाल ही रिलेशन है इहदा। जो हारवेस्टिंग होंदी है फसल पकती है खूब सारी दाने अनाज आते हैं तो फिर बंदा सोचता भी क्या मिट्टी ने सोना उगल दिता आ, चलो थैंक्स करिए थैंक्स गिविंग एक्चुअली टू शो सम सोर्ट ऑफ ग्रैटीट्यूड दिस इज ए काइंड ऑफ फैसटिवल ये रूप आ। जे असी अपने कल्चर च अपनी बाणी च आ जाइए तो बाबा जी तो रोज़ ही कहें रोज़ धन्यवाद कराया कर, एक दिन थोड़ा आ कोई हर रोज़ हर चढ़ती सवेर रमैया के गुण चेत परानी किवें चेते करा महाराज कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कमाल है शीशे सामने खड़ा होकर अपने आप को देखा कर बाबा क्या तरस किया है तू आ मिट्टी का की कुछ बना दिता है, मिट्टी दियाँ अखा मिट्टी दे कन अखा नक मूँह सब हाथ पैर क्या कमाल है बाबा तरसी है तेरा। इतों बंदे की इबादत शुरू होंगी गुणी ने सारे किड़े किड़े गुण की गल करा महाराज बयान करते एवें एहसास कर रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टाने, जिन्हों तू साज सवार शिंगारिया तेनू साजिया तो बड़ा सवार के साजिया ऐसा सवार के साजिया कि अपने आप को निहारदा तो खुश हो जाता आह बाबा क्या कमाल की तू तो क्या अखा बनाइया ने क्या इस रूप के मैं तो कई बार एग्जाम्पल्स करना असी मतलब अचेत ही रही जाते हैं जीवन च कई बार सुचेत ही नहीं होंगे। सपोज एक एग्जाम्पल देव कि बंदा रात में थोड़ा लेट किसी के कोल चला गया शाम देर शाम उत्थे कितने हैवी स्नैक्स हो गए वापस आया तो आंदियां नूं करदियां ने कहा पिछा फिर डिनर तुसीं छकोगे, कहिंदे नहीं डिनर मैं नहीं खाना बिकॉज आई एम ऑलरेडी
feeling full. So thank you. Today I'm not gonna take any food as a dinner. ठीक है जी, सो गए। और ऐसा आया कि जहो जी आदत बनी अद्धी रात नो भुख लग गई, हुण की कीता जाए, सारे सो गए हुण, चलो कोई ना, उठ के देखते हैं किचन च, अखां च नींदर भरी है, नींदर वाली अखां ने इधर उधर देखा भी देर मस्ट बी समथिंग लैफ्ट ओवर विच आई कैन ईट। फ्रिज खोली, समहाओ कुछ भी नहीं हैगा फ्रिज च, सोचा चलो होर कुछ नहीं, साढ़े जिवें इत्थे हैगा दुध जूस वगैरह तो पिया ही हुंदा आ, चुन दुध दा जग कढ़िया ते अपना जिहड़ा हैगा कप च पाया, सोचा चलो इहनूं माइक्रोवेव करके पी लैंदे आ, एटलीस्ट रात नींद तो आ जाएगी, फिर सवेरे उठ के कर लाँगे कुछ ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह। ठीक है जी, वो कप दुध दा भरिया, माइक्रोवेव किया करके उसनों टेबल ते बैठ के पीण लगा। क्या कुदरत ने देखो कीजा बनाईया साडे सारा स्ट्रक्चर जिहड़ा, क्या जिन्हें तू साज सवार शिंगारिया, जिन्हें तेन साजिया तो बड़ा सवार के साजिया, सानू भी नहीं पता किवें साजिया उसने, किस किस की बंतर बनाई उसने। दुध का कप पकड़ा इस तरीके तो होठा के कोल लैके आया पीण वास्ते, जिमें होठा के कोल लैके आया इस तरीके बिल्कुल होठा के उत्ते नक् लगाया, नासका अपने आप अरोमा स्मैल करती है, जिमें अरोमा जिहड़ा हैगा वह दुध का नक् विच गया, हमक गई ते नक ने एकदम दिमाग नूं इंडिकेशन दित्ती पीवी ना इसनूं क्योंकि खराब होया है, स्मैल आ रही है इहदे चों। क्या कमाल दा उहने सवाजिया सवारिया है, सानूं कोई अहसास नहीं है, मतलब एक एक बंतर जिहड़ी उसने, असीं किवें थैंक्स करांगे उहदा, वाहिगुरू शुकर है तेरा, क्या तरस कीता तूं इस रूप दे विच, क्या जिन तूं साज सवार शिंगारिया, क्या शिंगारिया तेनूं, ये सारा कुछ गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, उस वूम दे विच, उस पट्ठी दे विच सारा कुछ बंतर बना के सानू बख्श दित्ती। सो जिहड़ा बचन इत्थे आ रहा, सहज गुण गाइया जियो, सहज सुभाए गुण गाया कर, आले दुआले देख जिथे किते वड्याई गुण चंगियाई अछियाई मिले, उहदी सिफत सलाह कर, उहनूं वड्या, जे गुणा नूं वड्याएगा, गुणा नूं तरजीह देगा, गुणा नूं वेखेगा, जीवन विच गुण वधणगे, गुणा वाले लोग आले दुआले वधणगे, अखीर करद्या करद्या गुणी निधान रब नूं कहिंदे आ असीं उहदे तक पहुँच जाएगा, यही बाबा जी कहिंदे यही नाम आ। अगली पंक्ति है, गुण गाए विगसै सदा अनदिन जा आप साचे भावे, गुण गाए विगसै सदा अनदिन, जिवें जिवें गुण गाएगा विगसै खुशी प्लेजर, ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग ही कुदरत ने एवें की है कि ये जिस पासे एक बार फ्लो चल गया ये उस पासे फ्लो चली जाता है। फिर सपोज करो ईवन आपने कभी देखा होए कि कोई शरीर का हिस्सा पेन विच होए, पीड़ा विच होए, तो पीड़ा माड़ा जो कोई हाथ पैर कोई पीड़ करता, हिलाया पीड़ होंदी है, तो जे सपोज करो टिक भी गया एक जगह पर, पीड़ थोड़ी घट गई, थोड़ी देर बाद अपने आप ब्रेन हिला के देखेगा उन्हें कि पीड़ कितनी हो रही है, लेट्स सी इट। मतलब ये जिस पासे नूं फ्लो चल गया, जे दुख वाले पासे दुख दा ही अहसास, आप देखोगे कई बार हुंदा खास करके थोड़ी एजड होण तो बंदियां च मैच्योरिटी आ जाती, अदरवाइज बच्चियां च आपने देखा होगा जे नैगिंग करते तो नैगिंग ही करी जाते, बंदा सोचता इनू रो के की मिलता, छड़ पर रोना तो छड़ दे, हुण गल मन लैने पर एटलीस्ट एवें तो ना कर, पर नैगिंग का ही सुख है जो फ्लो चल गया उस पास। सो ये चीज़ है जिस पास फ्लो तुर पिया, सो जिहड़ा सुख आ विगास, ये जिवें जिवें गुण गाएगा फ्लो बदलेगा, यदा तो फ्लो इस रूप में होएगा, हुण गुण गुणा के नाल सुख जुड़ गया है, तो हुण सुख तो खुशी यही है, रीयल खुशी तो रीयल सुख वह लभ रहा, तो गुणा के रूप में अपने आपे की उसारी है, जीवन की उसारी है, शुभ अमलों के नाल जोड़िया जा रहा है, चंगे ख्यालों नाल जोड़िया जा रहा है, चंगियाईया अच्छियाईया ते वड्याईया अपने अंदर अपनाईया जा रही ने, आले दुआले जो दिखदियां ने उन्हां नूं रिकगनाइज किया जा रहा है, सो सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। बाबा जी कहिंदे गुण गाए विगसै सदा अनदिन, सदा अनदिन मीन पूरे की पूरी लाइफ स्टाइल जी बात आ गई, दिन रात क्या जा आप साचे भावे, पर पॉसीबल ता आ जे सच नूं ये चीज़ पा जाए, मुराद साढ़े सारे हां दे अंदर एक
रब्बी जोत का रंग पिया आ उसनू ये करना पा जाए मेन कि मदर नेचर तो मदर नेचर च रव रहा हुक्म जरा ला एंड ऑर्डर है जो असल चुदा नैचुरल कह लो कि एक ला ऑफ कॉजमो आ उसनू कित चीज़ चंकी लग जाए तो यह बात हो पाए। अहंकार होमै तजय माया सहज नाम समावे अहंकार होमै तजय माया माया वैसे इल्यूजन नू कहा जाता है जो रियल नहीं गी रियलिटी नहीं गी बट रियलिटी तो घट भी नहीं गई सानू डिस्ट्रैक्ट कर रही है सानू डिस्टर्ब कर रही है जिवें हनेरा आ हनेरे का अपना कोई वजूद नहीं गा पर सच ये है हनेरा वजूद ना होने के बावजूद भी साड़ी सारी जिंदगी रोक देता है हनेरा होंदा है सारे कुदरत सारी सौ जाती है पंछी पशु परिंदे बंदे सब इस रूप के है तो कुछ भी नहीं कोई कंध थोड़ा आ तुम देखो कुछ भी नहीं पकड़े तो कुछ भी नहीं आता है इल्यूजन माया इसे रूप में होंगी है ये माया साढ़े अंदर किमें वापरती बाबा जी कहते अहंकार होमै अहंकार मैं ते मेरी मत मैनू पता आ सब यू डोंट हैव टू टैल मी आई नो बस इन्ना ही बड़ा है। बच्चे को देखो छोटे जिन कुदरत किमें उन्होंने बना के भेजती है एटीट्यूड ऐसा होंदा कोई काम करन लगो कदी ना किया बच्चे ने ना कदी देखिया ना पता आई कैन डू इट आई कैन डू इट लैट मी डू इट भाई तेनों पता भी है यूवन डोंट नो पर जिहड़ा अहंकार वह कहिंदा भी आई नो हाउ कैन यू एक्चुअली टीच मी तो जदों उन्हें लर्न करना पैंदा उन्हें बड़ा औखा लगता क्योंकि छोटा हो जाता उन्हें लगता इहदे तों मैं सिखांगा ओ माई गॉश मैं तो बहुत छोटा हो गया ये प्रवृत्ति जिहड़ी है ये जांदी नहीं कि ये इल्यूजन है। बाबा जी कहिंदे अहंकार होमै तजय माया जे ये माया का त्याग कर दे जे इस इल्यूजन तो बंदा बाहर आ जाए सहज नाम समावे फिर नाम नाम तो सहज ही समा जाएगा। जे आपां सपोज इस इल्यूजन चो बाहर आ जावांगे तो मत आ जाएगी समझ आ जाएगी सोझी आ जाएगी तो नाम उस सोझी के विचों ही प्रगट होना। अगला बचन आ आप करता करे सोई आप दे तां पाई है अखीर बाबा जी कहिंदे मालक साढ़े भी की वस आ असी बच्चे हाँ अदने लोग हाँ साढ़े ते तू ही तरस करन वाला आ आप करता करे सोई करन वाला तू मैं तू ही सोई तू ही सब कासे नू करेंगा मालक आप दे तां पाई है जे तू दे तू नवाजे तां ते असी प्राप्त करिए अदरवाइज असी कितों प्राप्त कर सकते हाँ। हर जियो कृपा करे तो नाम ते आई है जियो हरी कृपा दे घर विच आवे तां ते नाम विच ध्यान जुड़े। एक पदे दे होर अखरी अर्थ करके समापन कर देने अंदर साचा नेह पूरा सतगुरु है जियो जदों सतगुरु तरस करदा सच दा नेह अंदर बिल्ट हो जाता मीन जिहड़ी असल कशिश है जिस पासे साडी अट्रैक्शन होनी चाहीदी है उस पासे फिर चली जाती। हर जियो कृपा महाराज कहिंदे हों तिसे भी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो उसे फिर अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ते उहदे नाम नूं उहदे गुणां नूं मैं रात दिन सेवदा रहा उहनूं कदे ना विसारा कदे ना विसारी अंदिन समारी जां नाम नहीं तां जीवां जीवन ऐसा हो जाए कला साहां दे सिर ते ना चले बल्कि जे जीवन विच इहो जी विचार इहो जी सोच इहो जिहा सूहज लगातार वध रहा ते इंप्लीमेंट हो रहा है तां जाणा कि मेरा जीवन चल रहा हैगा। सर्वनी सुनी तो यह मंत्रिप्त है गुरमुख अमृत पीवा सर्वनी सुनी वैसे तो बात कही जाती बोलना वेखना यह जीवन की क्रिया आ पर सुनना सब तो जड़ी मेन कार्य आ जो चीज़ सुनते हैं वह चीज़ जीवन के रच जाती है मुराद है वो साड़ी मैमरी का हिस्सा बनती है साड़िया साढ़े ख्याल का हिस्सा बनती है साड़ा स्कूल ऑफ थॉट वो शेप लैंदा आ। सो साहब ने कहा सर्वनी सुनी तो यह मन तृप्त है ता जाके मन तृप्ति कंटेंटमेंट ये जिहड़ी फुलफिलमेंट हो सकती सही रूप में गुरमुख अमृत पीवा गुरु वल मूँह करके आत्मक जीवन की दात प्राप्त करिए नदर करे तो सतगुरु मेले अंदिन विवेक बुद्ध विचरै पिछों सारी बात गुणा की सरवण करन की वड्याउण की सारी आई मुक्की कित्थे आके विवेक बुद्ध वट टू डू एंड वट नॉट टू डू ये जिहड़ी चीज़ आ जिहड़ी जिहड़ी डिस्टिंग्विश करती है सही ते गलत दे विच उहदी सोझी आ जाए सत नदर करे तां सतगुरु मेले जे बख्शिश होए उहदी नदर होए तां सतगुरु दा इह विजन मेरे अंदर रव जाए विवेक बुद्ध विचरै अंदर साचा नेह पूरा सतगुरु है। इस तरह जाणो जदों ये चीज़ बने तो फिर
जिहड़ा सच्चा ने है जो असल अटैचमेंट अट्रैक्शन है उस सतगुरु उस स्कूल ऑफ थॉट ने लगे जिहड़ा वाकई ही साडी जिंदगी नूं लीड करे ते सोभदा ते जो लीड करदा ते साडे अंदर नाम दी धारा वसदी आ के साहिब रहमत करन इनाम मुकामी बचना दी प्रीति साडी सुरत पकड़े ये दिली अरदास आ। इन्हीं बेनतियों के नाल ही हिमादा याचकिया कल्चरल साइड तो थैंक्सगिविंग डे मना रहे हैं सारा कैनेडा। असी भी बहुत धनवादी हाँ अकाल पुरख वाहगुरु दे उस परिपूर्ण दे जिसने मनुखा जीवन बख्शिया मनुखा जीवन में सिखी विरासत बख्शी तो सिखी विरासत के नाल उद्यमी होने का एफर्ट करन दा जीवन नू सही तरीके नाल जीण ते मानण दा अहद दिता। उस अहद के अंदर असी कैनेडियन सोयल के उत्ते अपनी कर्म भूमि बना के बैठे हाँ। मालक दा ते मालक दीआं दित्तीआं दातां दा कोटान कोट धन्नवाद करदे हां। इन्हीं एक बिनतियां नाल खिमा इत्थे सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।